टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी में खुल गया है एक बहुत बड़ा राज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आयुष को इस बात का पता चल गया है कि होटल में जो लोग खाना बना रहे थे उनमें से एक मिसिंग है, और इस बात को जानकर ऋषि और आयुष का काम और भी आसान हो जाता है। उधर दूसरी ओर आयुष लक्ष्मी की चाची की जमकर बेइज्जती करता है। दरअसल लक्ष्मी की चाची कहती है कि लक्ष्मी के कारण मेरा नाम खराब हो गया है, लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी भतीजी तो सीधी दिखती थी लेकिन वो तो अंदर से डायन निकली। आयुष को इस बात को सुनकर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनता। वो कहता है, सबसे पहले आप अपना मुँह बंद रखिए और मैं लक्ष्मी भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता। अगर मेरी मॉम लक्ष्मी के बारे में कुछ कहती है तो मैं तो उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ। फिर आप तो चाची हो तो फिर आप तो अपना मुंह बंद रखो। अभी चाची की बोलती बंद हो जाती है। उधर दूसरी ओर ऋषि के पापा लक्ष्मी से मिलने जेल में जाएंगे और कहेंगे, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन लक्ष्मी का दिल बहुत बड़ा है और वो कहती है, आप मेरे लिए यहाँ तक आए मेरे लिए इतना ही बहुत है। उधर दूसरी ओर ऋषि ने भी लक्ष्मी के लिए वकील हायर कर लिया है। सभी बातों की छानबीन चल रही है। छानबीन में उन्हें पता चलता है कि वहां पर जो होटल में खाना बनाने वाले सेफ थे उनमें से एक मिसिंग है। आने वाले प्रोमो में ये दिखा दिया गया है कि ऋषि को पता चल गया है कि आखिरकार लक्ष्मी के खिलाफ साजिश किसने की थी। मलिष्का के अब उड़ने वाले हैं होश, तो अब देखना ये होगा कि ऋषि मलिष्का के लिए क्या फैसला करेगा। तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।